हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज हम शुरू करेंगे हमारा जो टॉपिक है इमोशनल ईएमएफ, यानी कि इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, आज इमोशन का ज़माना है, तो हम क्यों ना थोड़ी सी बात मोशन की भी कर लें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो जो इमोशन है उससे तो आसान है मोशन, इसलिए मोशन तो हमारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक फिजिक्स चलेगी, क्योंकि फिजिक्स मोशन के साथ पूरी तरह से रिलेटेड है। आप न्यूटन के लॉ देख लें, फ्रिक्शनल लॉ देख लें, गैलीलियो के लॉ देख लें, जो जहाँ भी जाओगे आप मोशन में ही घूमते रह जाओगे। क्योंकि फिर देखिए, हमारा यूनिवर्स है वो भी जो है मोशन में है, हर बॉडी मोशन में है और हमारी अर्थ भी मोशन में है। तो मोशन के बारे में पढ़ना तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम दूसरे मोशन की बात करेंगे जो हम इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का लेसन करते हैं तो फैराडे लॉ को आप जरूर कीजिए। फैराडे लॉ जो है इन सभी की माँ है, मदर है। तो फैराडे लॉ को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए। जब आपके सामने फैराडे लॉ समझ में आ जाएगा, देखिए जो फैराडे के तीन एक्सपेरिमेंट थे हमारे, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, और एक जो हमारा लेंजेज लॉ है उसको जो अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के ऊपर ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे क्लियर आपका, आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए तो बिल्कुल आपके सामने हमने एक एक पॉइंट को सही तरीके से खोला गया है। तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स डॉट एजू डॉट राजेंद्र, चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा जो आज का चैप्टर है, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। देखिए, पहले हम बात करते हैं, तीन पॉइंटों की बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है तीन बातों पर डिपेंड करता है। नंबर एक, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस पे डिपेंड कर रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप यानी कि बी पर। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? बी, जो हम कैपिटल बी यूज करते हैं, स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की, स्ट्रेंथ कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, एरिया थ्रू विच द फील्ड लाइन्स पास। तीसरा, जितना एरिया, वो जैसे मान लो हमारे पास ये है कोई, तो इसमें से जो फील्ड कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, देखिए, द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड विद सरफेस एरिया। इफ एनी ऑफ दीज क्वांटिटीज वेरीज, का मतलब कम ज़्यादा होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग वेरिएशन इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑकर्ड। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आना एक स्वाभाविक है, वो आएगा ही। तो तीन पॉइंट नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिए पे डिपेंड करता है, और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, जो हमारे सरफेस का ओरिएंटेशन दिया गया है। और दूसरा एक पॉइंट और इसमें नोट कर लीजिए, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि ई किसके बराबर होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। हमने जो है कई बार इसको पढ़ लिया है, तो इसलिए हमने पिछली वीडियो में आपसे बोला था भी जो फैराडे लॉ है उसको अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, इसी के ऊपर हमारा पूरे का पूरा चैप्टर घूम जाता है। तो ये फादर हैं हमारे फिजिक्स की बात करते हैं, और फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं ये फादर मदर सभी हैं। तो जब तक आप फैराडे के साथ नहीं चलोगे तो वो आपके साथ नहीं चलेगा, मतलब आपके समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, हमारे पास एक पॉइंट है, जो गलती नहीं करता वो कुछ नहीं सीख सकता। जो गलती नहीं करता वो कुछ नहीं सीख सकता, वो हमारे आइंस्टीन थे, उन्होंने बोला था ये बात। तो बड़ी ही एक अच्छी बात है ये, यदि आप कुछ नहीं करोगे और आपने गलती नहीं की तो आप सीखोगे क्या? फिर तो आप जो है कॉन्स्टेंट हो गए, और फिजिक्स में कॉन्स्टेंट नॉट अलाउड, वेरिएशन होना चाहिए। हमारी सिस्टी भी चाहती है वेरिएशन हो। तो चलिए, तो बातें हैं चलती रहेंगी हमारे पास, हम आपके लिए चलते हैं। देखिए, पहले हम आपको शॉर्टकट में बता देते हैं किस तरह से हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, मोशनल ईएमएफ को। फिर हम अपना डिटेल में आपको स्टडी कराएंगे। फ्लक्स चेंज थ्रू ए कंडक्टिंग लूप प्रोड्यूसेज एन ईएमएफ, आपको पता है। तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये चित्र दिखाया गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज दिखाए गए हैं, देखिए पॉजिटिव चार्ज दिखाए ना, तो ये इनवर्ड है, अंदर की ओर दिखा रखा है ना। और ये कोई रोड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड रोड है, और जिसकी लेंथ हम एल मान सकते हैं।
ठीक है। और ये देखिए, ये इसके अंदर एल दिखाया गया है हमारे पास, और ये क्योंकि टाइम के साथ वेरी करता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वी इंटू डी टी, वी इंटू डी टी हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ वेरी करता है और ये वेलोसिटी दी गई है। तो ये देखिए हमारे पास ये क्या फेराडे लॉ है, यहीं से शुरू करेंगे, स्टार्ट विद दिस, ठीक है। और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, आई एल बी, क्लियर है पॉइंट ये, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आई एल बी, आपने देखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आई एल बी, यानी कि एल क्रॉस बी लिया हमने, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का क्या हो जाएगा, देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, मतलब क्रॉस ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आई किसके बराबर होता है, देखिए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर, यानी कि जो हमारी पोटेंशियल है उसके डिवाइड बाई आर होता है, ठीक है ना। ये तो हमने क्या किया, वी के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दी, वी के स्थान पे क्या आ गया, ये देखिए ये हमने चेंज कर दिया, क्लियर है पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो रहा है ना। तो आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाई आर होता है ना, तो हम यहाँ पे वी की वैल्यू वी लेकर चल रहे हैं, तो ई डिवाइड बाई आर है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या है, ये वैल्यू जो है कम्प्लीट की कम्प्लीट जो है सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। देखिए ये जो इक्वेशन थी हमारी, तो ये यहाँ पे E के स्थान पे ये आ गया हमारे पास, क्लियर है पॉइंट। अब जो P किसके बराबर होता है, FP डॉट V, क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ILBV, क्या बन गया, ILBV बन गया हमारे पास, क्लियर पॉइंट ये। इसके बाद हम क्या करेंगे, लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, ये हमें फार्मूला पढ़ा है, फाई बी क्या होता है, बी डॉट ए, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है हमारे पास, बी ए बन जाएगा। फेराडे लॉ हमारे पास ये था, अब फेराडे लॉ में हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो वैल्यू हमने पुट करनी है, ये देखिए फाई बी है ना, तो यहाँ पर हमने बी ए की वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं इसका, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी ए, ठीक है ना, डी, क्योंकि डी का मतलब स्मॉल चेंज इन बी, तो बी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो डी ए के साथ ही वेरीफाइज चला जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ हमारे पास, स्मॉल चेंज एरिया में, तो क्या आ गया, डी एक्स एल इंटू डी एक्स आ जाएगा, क्या आ गया, क्यों, कारण क्या इसका, देखिए ये वाली लाइन पढ़ लीजिए, बी एंड बी आर वैक्टर मैग्नीट्यूड, सो दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, वायर लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू यूज लेंज लॉ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो गया, तो ये है सिंपली कंप्लीट सोल्यूशन, आप जब एग्जाम की दृष्टि से करते हो। अब हम आपको समझाएंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम वो क्लियर करेंगे, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, हम पहले आपको वो कराते हैं। देखिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास एक रोड है, देखिए हम आपके पास पहले फिगर के पास चलते हैं, ये देखिए ये फिगर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दिया, देखिए ये क्रॉस हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, क्लियर है पॉइंट। और आपके पास एक रोड है, ये रोड दी गई है, देखिए ये वाली रोड, ये हमारे पास क्या है, रोड है, तो इस रोड को जब घुमाएंगे, या इसको घुमाने का मतलब क्या, आपने इसको मूव कराना है, क्या कराना है, आपने इसको मूव कराना है रोड को, तो जैसे ही आपको रोड को मूव कराते हैं, इधर उधर जैसे ही मर्जी कराएं, इसको मूव कराना है विद वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी के साथ जब आप इसको मूव कराएंगे तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ, याद रखिए ईएमएफ इंड्यूस होगा जब आप इसको मूव कराएंगे, और इसी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, यानी कि मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा, घुमाने से इसको जब हम इधर उधर घुमाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, क्या आएगा, मोशन, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ, क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितना होगा, ये हमने अभी समझना है। तो मान लो आपके पास कोई कंडक्टिंग रोड है, क्लियर है पॉइंट, मान लो आपके पास ये कोई कंडक्टिंग रोड है, ठीक है ना, और हमें पता है इसमें दोनों चार्ज होते हैं, प्लस चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, और नेट चार्ज इसमें क्या होता है, जीरो होता है, नेट चार्ज क्या होता है इसके अंदर, जीरो होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट चार्ज इसमें क्या होता है, जीरो होता है, जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका मतलब हम क्या करेंगे, रोड के पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, हमने इसको वेलोसिटी दे दी, भी क्या दे दी इसको,
वेलोसिटी दे दी वी रोड को, इसको हमने जो है अपनी इस जगह से मान लो कहीं और दूसरी जगह यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको कहीं भी लेकर आ सकते हैं, तो हमने क्या दे दी इसको, वेलोसिटी दे दी, किसको, रोड को वेलोसिटी हमने दे दी। तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा, अब क्योंकि इसमें चार्ज है तो चार्ज भी मूव करेंगे, रोड में चार्ज है तो चार्ज भी मूव करेंगे और उस पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, हमने एक बार किया था, जो फोर्स किसके द्वारा देते हैं हम, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ये देखिए वी क्रॉस बी, ये हमने फार्मूला पहले याद किया हुआ है, ये इस पर फोर्स लगता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इंटू द प्लेन, मैग्नेटिक फोर्स किस में है, प्लेन में है, और वी क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें निकालना पड़ता है, वी क्रॉस बी का डायरेक्शन हमें निकालना है, वी क्रॉस बी का हमें डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने का हमने फार्मूला किया हुआ है, जो हम करते हैं, जो हमारा जो राइट हैंड थंब रूल है उसके भी हम कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, जब ऊपर की ओर कौन सा चार्ज है, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर की ओर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और नीचे की ओर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये ध्यान पॉइंट देख लीजिए, ऊपर की ओर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज की ओर लग रहा है, ठीक है ना, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा तो पॉजिटिव ऊपर की ओर होगा, अब नीचे की ओर क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे की ओर भी लगता है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो पोटेंशियल भी आ जाएगा, और पोटेंशियल हम किस तरह से देते हैं, वी इजिकल टू ई डी, याद रख लीजिए फार्मूला, ये वेदों से फार्मूला है, वी ई डी याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी ई डी, तो हम शॉर्टकट में वेद लिखते हैं, वेद वी ई डी, ये फार्मूला है हमारे पास जब हम मोशन की बात करते हैं ना, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये फार्मूला हमारे पास क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारा जो टॉपिक है मेन पॉइंट, देखिए व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड, अब जो हमने बात की वो देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस इज सेट अप अक्रॉस इट्स एंड, अभी हम बात कर रहे थे ना, अभी जैसे ये रोड है इसको हम इस साइड मूव करा देते हैं ना, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाएगा, और दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ, ये इसकी डेफिनेशन होगी हमारी, याद कर लीजिए, जब हम किसी भी कंडक्टर को मूव कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इसके सिरों के बीच में, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। हमें पता है कि ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इज प्रोड्यूस इन द लूप व्हेन द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट इज चेंज, क्लियर पॉइंट, जब फ्लक्स चेंज होगा तो प्रोड्यूस हो जाएगा ईएमएफ, और फ्लक्स लिंक विद द लूप कैन बी चेंज, देखिए पॉइंट नोट कर लीजिए, पहले क्या हमें ईएमएफ प्रोड्यूस किया जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो क्या होगा, कैसे करेंगे हम उसका, नंबर एक कैसे चेंज कर सकते हैं, नंबर वन कीपिंग द लूप एट रेस्ट, कीपिंग द लूप एट रेस्ट एंड चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, देर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ सोर्स ऑफ ई एम एफ और द लूप थ्रू द विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड बट द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विद टाइम एंड दिस मे कोज बाई चेंजिंग द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग द फील्ड, समझ में आई बात, ये क्लियर पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, कीपिंग द मैग्नेटिक, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्स्टेंट कर देते हैं एंड मूविंग द लूप आर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्टी, मतलब पार्सली आर वोल, या तो थोड़ा लगा लो ज़्यादा लगा लो, द चेंज इज प्रोड्यूस बाई रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमने कॉन्स्टेंट कर दिया, मूव करा दी लूप या सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो पूरी कराओ या थोड़ी कराओ, ठीक है ना, तो उसमें चेंज आ जाएगी क्योंकि उसका जो रिलेटिव मोशन है उसमें चेंज आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा बन जाता है, यानी कि द लूप थ्रू द विच द मैग्नेटिक फील्ड पासिस, ठीक है। अब मान लो हम दोनों ही केस साथ साथ करते हैं, इन बोथ द केसेज प्रोड्यूसिंग द ई एम एफ द इंड्यूस ई एम एफ इज गिवन बाई द सेम ला, यानी कि दिट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यानी कि डी फाई बाई डी टी हमने जो किया था, ये वाला फार्मूला जो हम फेराडे ला का हम करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है ना।
और जब एक कंडक्टर मूव अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस सेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बार बार हम उसको, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, तो हम आपको ये अभी याद करवा के ही जाएंगे, ठीक है, याद कर लीजिए। व्हेन ए कंडक्टर इज मूव अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड, ए पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है इसके एंड्स में, और इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। इक्वेशन हम देखिए कैसे निकालते हैं इसकी। मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है पी क्यू, ये देखिए ये पी क्यू कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कोई हमारे पास कंडक्टर है पी क्यू, क्लियर है पॉइंट। एज शोन इन द फिगर, मूविंग इन द रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस इन यूनिफॉर्म एंड टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिस्टम। हमें पहले बताया था, ये देखिए रेक्टेंगुलर दिखाया गया है और ये प्लेन में मूव कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है, और जो हमारी पी क्यू की लेंथ जो है एल है, और आर एक्स जो है हमारे पास किसके, ये आर क्यू किसके बराबर है, एक्स के बराबर दिया गया है, तो ये हम ज़ूम करके चलते हैं, ठीक है पॉइंट। मान लो हमारे पास जो मोशन है रोड का, एक जो है यूनिफॉर्म मोशन है और कांस्टेंट वेलोसिटी है हमारे पास वी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास वी मीटर पर सेकंड, एंड सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस, दस द रेक्टेंगुलर पी क्यू आर एस फॉर्म ए क्लोज्ड सर्किट हो जाएगा, क्योंकि ये बंद है ना, तो ये क्या हो गया कि क्लोज सर्किट हो गया हमारे पास, ठीक है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द पी क्यू रोड। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाइव बी, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में ये इस तरह से है, मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द लूप पी क्यू आर एस, हम किस तरह देते हैं, देखिए मोशनल ई एम एफ की डेफिनेशन फिर आ गई यहाँ पर आपके सामने आ गई, मोशनल ई एम एफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इनटू में मैग्नेटिक फील्ड इनटू में लेंथ ऑफ द वायर, लेकिन एक्सचेंज विद द टाइम, क्योंकि हम उसको वेरी कर रहे हैं वेलोसिटी वी के साथ, जो हमारी ये रोड है ना ये वेरी करती है, अब हमने ये जो है एक्स माना है ना, अब इसको यदि हम इधर उधर करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे देंगे, फाइव बी बराबर किसके होते हैं, ये फाइव बी बी एल एक्स, इसके बराबर होता है बी एल एक्स, जहाँ पे हमने आर क्यू माना है एक्स के बराबर, और आर एस किसके बराबर माना है, आर एल इन के जो रोड की लेंथ है हमारे पास। सिंस द कंडक्टर इज मूविंग एक्स इज चेंजिंग विद द टाइम, दस रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाइव बी विल इंड्यूस एन एम एफ, और उसको हम किस तरह से देते हैं, देखिए हम फैराडे लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फैराडे यूज कर दिया हमें, और फाइव बी हमने अभी देखा क्या था, वो बी एल एक्स होता है, तो यानी कि इस फाइव बी के स्थान पे हमने क्या रख दिया, ये देखिए ये फाइव बी है और इसके स्थान पे क्या रख दिया, बी एल एक्स रख दिया हमने, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट ये। अब कॉन्स्टेंट बी और एल तो हमारे कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है, इसलिए कॉन्स्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, तो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा बी एल वी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है, डी एक्स बाई डी टी क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी होती है, हमने जो है लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाया, तो ये क्या बन गया हमारे पास बी एल वी, तो ये है टोटल इक्वेशन हमारे पास, वेयर द स्पीड ऑफ कंडक्टर वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी इज द फार्मूला ऑफ इंड्यूस ई एम एफ, दिस इंड्यूस ई एम एफ ड्यू टू द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ई एम एफ। देखिए भाई हमने इतनी बार आपको जो है मोशनल ई एम एफ की डेफिनेशन करा दी भाई, अब तो याद हो जानी चाहिए। दस ई एम एफ कैन बी इंड्यूस इन टू मेजर वेज, देखिए ई एम एफ इंड्यूस करने के हमारे पास दो तरीके हैं मेन, नंबर एक ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक तो यदि हम कंडक्टर को मूव कराते हैं, मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, तो यदि हम इसको मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, एक तो ये हो सकता है, दूसरा ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इनक्लोज बाय द सर्किट, या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें, तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, क्लियर पॉइंट। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे देते हैं, फाइव इक्वल टू बी ए कोस थीटा, और कई बार हम बी एल कोस थीटा भी कहते हैं, वो एक ही बात है दोनों, तो वी नो दैट कोस थीटा क्या है जीरो, तो फाइव कितना हो गया बी ए या बी एल, एक ही बात है ना, ए के स्थान पे हमने एल ले लिया। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैन बी फर्दर एक्सप्लेन बाई लोरेंज फोर्सेज विच एक्ट ऑन द फ्री चार्ज ऑन द कैरियर, और लोरेंज फोर्स देखिए हमने शुरू में ही ये डेफिनेशन आपको बताई थी, ई एम एफ क्या होता है वी बी एल, तो ई एम एफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, एम मैग्नेटिक फील्ड है,
लेंथ ऑफ द वायर वेयर द चार्ज मूविंग, ठीक है ना। तो लोरेंज फोर्स के लिए हमारे पास एफ क्या हो गया, क्यू वी बी, ठीक है ना, ये हमें पता है। अब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पी टू क्यू, वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यू इंटू बी वी एल। तो क्योंकि वो क्या है हमारे पास चार्ज इंटू फोर्स की जब हम बात करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास वर्क डन का फार्मूला। लेकिन ई एम एफ को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं। तो ई एम एफ की वैल्यू हमारे पास ही होगी और ये हमारे पास इक्वेशन किसके बराबर आएगी, बी वी एल के बराबर आएगी। ऑन द अदर हैंड इट इज नॉट ऑब्वियस, ये क्लियर नहीं कि हाउ एन ई एम एफ इज इंड्यूस वैन कंडक्टर इज स्टेशनरी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो ये हमें अभी लग नहीं पता चला। तो देखिए एक फैक्टर है हमारे पास फैराडे लॉ का, एट ए फैक्टर फैराडे वेरीफाई बाय न्यूमरस एक्सपेरिमेंट इन केस ऑफ स्टेशनरी कंडक्टर द फोर्स ऑन द चार्ज इज, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। एफ इजिकल टू क्यू इंटू में ई प्लस वी क्रॉस बी, ये कि ये आ गया ना, और हमारे पास वी क्या है, जीरो है ना। तो क्यू यहाँ पे हम वी की वैल्यू यदि हम जीरो पुट कर देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एफ इजिकल टू क्यू, ठीक है। दस एनी फोर्स ऑन द चार्ज मस्ट अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोन। तो ये था हमारा जो आज का टॉपिक था, मोशनल ईएमएफ, और बड़ा ही आसान टॉपिक था आपके लिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को जो है कंप्लीट देखिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जय हिंद।